हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर निबंध पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। लाइन नंबर एक, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। लाइन नंबर दो, गांधी जी एक संत राजनीतिक थे। उन्होंने अपने देशवासियों को अहिंसा सा सहारा नहीं लेने की शिक्षा दी थी। लाइन नंबर तीन, गांधी जी अहिंसा आंदोलन के सूत्रधार थे। लाइन नंबर चार, अहिंसा का अर्थ केवल बाहरी शारीरिक हिंसा से ही नहीं बल्कि आत्मा की आंतरिक हिंसा से भी बचना है। लाइन नंबर पाँच, अहिंसा के सिद्धांतों को लागू करने से व्यक्तिगत स्थानीय राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर संघर्ष के गुस्से और हिंसा को कम किया जा सकता है। लाइन नंबर छः, अहिंसा को छात्रों समुदायों और समाज के लिए एक शक्तिशाली रणनीति के रूप में मान्यता दी गई है। लाइन नंबर सात, 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में गांधी जी और संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इस सफल सामाजिक आंदोलन ने नए आयामों का निर्माण किया था। लाइन नंबर आठ, सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत व्यवहार के लिए नहीं है बल्कि इसे वैश्विक मामलों में भी लागू किया जा सकता है। लाइन नंबर नौ, अहिंसा सदियों से भारतीय धार्मिक परंपरा का हिस्सा रही है। लाइन नंबर दस, गांधी जी को उनके सत्य और अहिंसा के मार्ग के कारण भारत की स्वतंत्रता के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको यह निबंध पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।